अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ असद एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल दी टेक व्लॉगर्स। सो कैसे हैं आप सब, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी अनबॉक्सिंग इनफिनिक्स नोट 12 की, जो कि रिसेंटली मुझे रिसीव हुआ है फ्रॉम उमर मोबाइल्स। सो आज की वीडियो में इस फोन को अनबॉक्स करेंगे, जनरल जो रिव्यू है इसके बारे में, जो इसका कैमरा इंप्रेशन है वो आपके साथ शेयर करूंगा। सो स्टिक टिल दी एंड, और अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो मेक श्योर कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नई वीडियो है वो आपको देखने को मिलती रहे। सो बगैर भी टाइम ज़ाया किए हुए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। सो ये रही हमारी डिवाइस, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो स्पॉन्सर की गई है उमर मोबाइल शॉप की जानिब से, जो कि मानसर में बेस करते हैं। इनके जो तमाम नंबर्स और जो डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आपको कोई भी डिवाइस चाहिए तो आप इनसे ऑर्डर कर सकते हैं। इनके पास तमाम ब्रांड न्यू डिवाइसेस और इसके अलावा यूज डिवाइसेस में आईफोन्स वगैरह भी सारे आपको मिल जाएंगे। सो डू कॉन्टैक्ट दैम एज़ वेल। ये रहा हमारा फ़ोन, वाइट कलर के बॉक्स में आपको मिल जाता है। फ्रंट पे आपको G96 का लोगो मिल जाता है। इसके अलावा एमोलेड स्क्रीन का आपको एक हाईलाइट मिल जाती है, और ये दोनों चीज़ें इस फ़ोन की सबसे बड़ी हाईलाइट्स हैं और काफ़ी एक अच्छी डील है। यहाँ पर आप बैक पर भी देख सकते हैं, बॉक्स पर आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं, जिसमें 5000 mAh की बैटरी है, 128 GB वाला वेरियंट है ये, और 8 GB रैम के साथ आया हुआ है। इसके अलावा आप इसे एक्सटेंडेड जो रैम होती है वो ये अप टू 13 GB बन जाती है। हीलियो G96 आपको मिल जाता है। फुल HD प्लस वाला एक एमोलेड डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल जाता है 6.7 इंचेस के साइज़ के साथ। इसके अलावा 50 MP और 2 MP के आपको दो कैमराज मिल जाते हैं, और तमाम जो सेंसर्स हैं वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। 33 W की फास्ट चार्जिंग भी है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बॉक्स आप जनरली देख सकते हैं, PTA की वेरिफिकेशन के साथ आता है ये बॉक्स, और बाकी आप बॉक्स जनरली देख सकते हैं। जल्दी से इसको ओपन करते हैं, मैं इसके ऊपर से ये प्लास्टिक रिमूव करता हूँ। सो यहाँ पर ये पहले तो हमें एक डिवाइस वेरिफिकेशन का एक स्टिकर मिल जाता है, जो कि ऑब्वियसली PTA वाला है, और उसके अलावा बॉक्स कुछ यूँ ओपन होगा, और नीचे हमें हमारा प्लेन वाइट बॉक्स मिल जाता है। बॉक्स को जैसे ही हम ओपन करते हैं, सबसे ऊपर आपको आपकी डिवाइस मिल जाती है, और इस वक्त जो इस डिवाइस का कलर है ये ब्लैक कलर में है मेरे पास, और पीछे कुछ टेक्सचर्स आपको मिल जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर आपको ये डिवाइस मिल जाती है। काफ़ी बड़ा सा आपको कैमरा कटआउट मिल जाता है, वीवो की डिवाइसेस की तरह, जो कि अभी नहीं आई हैं। बाकी दो मेन कैमराज मिल जाते हैं, और डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस डिवाइस का। एक स्क्वायर बॉक्सी डिज़ाइन मिल जाता है, जैसा कि लेटेस्ट आपको आईफोन में मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई थिंक अपने पाँव पे खड़ा भी हो जाएगा अगर आप इसे खड़ा करना चाहें। बाकी डिज़ाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसे हम ऑन करते हैं और बाकी देखते हैं बॉक्स में हमें क्या मिलता है। सो इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ और पेपर वर्क मिल जाता है। नीचे अगर हम देखते हैं, सो आपको ट्रांसपेरेंट केस मिल जाता है, जो कि अच्छी क्वालिटी का केस है, और प्रॉपर इसकी हर एक चीज़ की फ़िटिंग के साथ है। सो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, आपको इसे साथ मिल रहा है। इसे इजेक्टर पिन मिल जाती है, वारंटी कार्ड मिल जाता है, एक्सपायर का कुछ आपको यहाँ पर कार्ड मिल जाता है। इसके अलावा सिर्फ चार्जर मिलता है, हैंड्स फ्री आपको नहीं मिलता, और चार्जर यहाँ पर आपको टाइप सी का मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पर आपको 3.3 एम्पेयर का, यानी कि जैसा कि बॉक्स पे मेंशन किया गया है, 33 W की फास्ट चार्जिंग के साथ ये डिवाइस आती है, और जो चार्जर है वो आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है। बाकी चीज़ें हम करते हैं साइड पर, जल्दी से मैं फ़ोन को सेटअप करता हूँ और फिर बात करते हैं फ़ोन के बारे में। सो फोन यहाँ पर सेटअप हो चुका है। सबसे पहले जो मेन चीज़ आप नोटिस करेंगे वो है इसका डिस्प्ले। इसका डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको काफ़ी अच्छे डिस्प्ले के साथ ये डिवाइस मिलती है। इसमें आपको एक OLED पैनल मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और लास्ट टाइम भी यही सीन हुआ था कि नोट 11 में आपको OLED पैनल मिला था, जबकि नोट 11 प्रो जो था उसमें आपको एक LCD था, लेकिन ज़्यादा रिफ्रेश रेट के साथ मिला था। इसमें आपको हाई रिफ्रेश रेट तो नहीं मिलता, लेकिन एक OLED पैनल मिल रहा है जिसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और साइड्स वगैरह और जो चेन एंड फोर हेड है वो भी इतना ज़्यादा आपको बॉदर नहीं करेगा, काफ़ी अच्छे से मैनेज किया गया है। आपको एक वाटर ड्रॉप नॉच मिल जाती है इसके टॉप पे, और इतना ज़्यादा बॉदर करने वाली नहीं है, काफ़ी अच्छा इसका डिस्प्ले है। एंड जो फर्स्ट इंप्रेशन है इसका, अगर मैं अपनी बात करूँ, सो मुझे काफ़ी पसंद आया है, और मैं ख़ुद प्रेफर करता हूँ LCD के ऊपर OLED को। और अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े रिफ्रेश रेट पर तो वो आप कर सकते हैं, बाकी जो OLED है वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहता है। ये एक 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले है, जो कि 1080x2400 के रेजोल्यूशन के साथ आपको मिल जाता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, नो डाउट डिस्प्ले OLED होना काफ़ी एक अच्छी बात है, आपको गेमिंग में काफ़ी हेल्प करता है, और जो आपके डेली यूजेज है, अगर आपका कॉन्टेंट कंज्यूमिंग ज़्यादा है फ़ोन पर, सो उसमें काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा ये। इसके अलावा अगर थोड़ी सी हम डिज़ाइन की बात करें, सो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये बॉक्सी आपको डिज़ाइन मिल जाता है,
और यहाँ पर बैक पे आपको कुछ टेक्सचर सा मिलता है, प्लास्टिक बॉडी है नो डाउट, लेकिन काफ़ी अच्छे से इसको बनाया गया है। और यहाँ पर अगर आप गौर से देख सकें सो एक टेक्सचर आपको मिल जाता है। यहाँ पर टॉप पे जो कैमरा वाला एरिया है वहाँ पर टेक्सचर आपको नहीं मिलता, आपको एक काफ़ी ग्लासी डिज़ाइन यहाँ पर मिल जाता है, ये ग्लास्टिक है। नीचे एक और आपको सेंसर मिल जाता है, ये कैमरा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर मेंशन किया गया है कि 50 मेगापिक्सल का है, 1.6 एपर्चर के साथ एक 27mm का कैमरा आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको फ्लैश लाइट मिल जाती है। बैक इस फ़ोन की काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है, काफ़ी प्रीमियम लुक आपको देखने को मिलती है। ऑब्वियसली काफ़ी एक चीप डिवाइस है अगर आप देखते हैं इसे। यहाँ पर आपको इन्फिनिक्स के लोगो मिल जाता है। वॉल्यूम बटन और पावर बटन एक साइड में मिल जाता है, और ये पावर बटन फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है जो कि काफ़ी फास्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको फेस अनलॉक भी मिल जाता है। अगर मैं फेस अनलॉक ट्राई करूँ सो फेस अनलॉक भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। बाकी इस साइड पे आपको सिम ट्रे मिल जाती है जिसमें आपको फुल स्लॉट मिल जाता है। टॉप पे कुछ नहीं मिलता, बॉटम पे आपको एक 3.5mm जैक मिल जाता है। इसके अलावा टाइप सी, एक स्पीकर और एक माइक आपको मिल जाता है। स्पीकर यहाँ पर आई थिंक सिर्फ एक ही आपको प्रोवाइड किया गया है बॉटम पे, बाकी स्टीडियो स्पीकर का आई डोंट थिंक सो कि कहीं पर ना मेंशन किया गया और ना इसमें होगा। बात करें अगर कैमरा की सो कैमरा यहाँ पर आपको एक 50 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है। डिफरेंट मोड्स हैं जो कि ऑब्वियसली इन्फिनिक्स का सॉफ्टवेयर में होते हैं, इनका AI कैमरा, बाकी वीडियो वगैरह ये आपको मिल जाते हैं। अगर वीडियो की बात करें सो 2K तक आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है, 4K नहीं मिलता। और फ्रंट कैमरा भी डिसेंट है, इतना अच्छा नहीं है लेकिन स्टिल यूजेबल है, आपको आई ट्रैकिंग मिल जाती है। और बाकी जो सैम्पल्स हैं कुछ जो मैंने इसे शूट किए हैं वो आप स्क्रीन पे अपने देख ही सकते होंगे। आपको एक मिनिमल कैमरा मिल जाता है, ऑब्वियसली ये स्पेसिफिकली कोई कैमरा डिवाइस नहीं है, इसमें आपको ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस देने की कोशिश की जाती है इन्फिनिक्स की जानब से हमेशा। और जो नोट सीरीज़ है वो तकरीबन ऐसी ही होती है, उसमें आपको सिर्फ एक चीज़ पर फोकस नहीं मिलता, आपको हर एक चीज़ मिल जाती है। अगर बात करें हम इसमें परफॉर्मेंस की सो परफॉर्मेंस के लिए आपको हीलियो G96 मिल जाता है जो कि ऑब्वियसली एक गेमिंग प्रोसेसर है और काफ़ी अच्छी आपको ये परफॉर्मेंस देता है। इस डिवाइस पे अभी तक कोई टेस्ट नहीं किया मैं, इंशाल्लाह इन फ्यूचर इस पे गेमिंग टेस्ट बनाऊंगा, लेकिन अभी ये एक इसकी अनबॉक्सिंग है जिसमें इसको डिटेल से मैं टेस्ट आउट नहीं कर सकता। लेकिन नो डाउट हीलियो G96 और तकरीबन 8GB की रैम जो कि 13GB तक एक्सटेंड भी हो सकती है, आपको काफ़ी एक अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस देने वाला है। और अगर बैटरी की बात की जाए सो 5000mAh की बैटरी मिल जाती है विद फास्ट चार्जिंग, जो कि आपको ऑब्वियसली गेमिंग में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगी और आपको कहीं पर भी ऐसा लैग देखने को नहीं मिलेगा इन टर्म ऑफ बैटरी। सो बैटरी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है, प्रोसेसर भी डिसेंट है। अगर बात करें हम एंड्रॉयड की सो एंड्रॉयड 12 आपको यहाँ पर मिल जाता है, और काफ़ी एक अच्छी चीज़ है एंड्रॉयड 12 का होना, आपको कुछ टाइम की और सपोर्ट इस डिवाइस में मिल जाएगी। बाकी एंड्रॉयड 12 इटसेल्फ काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है, सो काफ़ी देर के लिए आपके लिए ये डिवाइस वर्क करेगी। और आपको एक अच्छा डिस्प्ले मिल जाता है, एक डिसेंट कैमरा मिल जाता है, एक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस वाली ये डिवाइस मिल जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी लुक और इसका डिज़ाइन। सो इन्फिनिक्स नोट 12 के बारे में जो मेरा इंप्रेशन है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी डिसेंट मुझे लगी है ये डिवाइस। जो एक चीज़ काफ़ी कंसर्निंग है वो है इसकी प्राइस, जो मुझे बताई गई है इसकी प्राइस वो तकरीबन 37,000 है, और इसके लास्ट मॉडल की अगर मैं बात करूँ सो वो अराउंड 27-28 के आपको मिलता था, और उसका जो अपर वर्जन था वो 30 तक आपको मिल जाता था ज़्यादा रैम वाला। सो इस दफ़ा प्राइस काफ़ी ज़्यादा अप हुई है, और जो मेन फ़र्क यहाँ पर पड़ा है वो डॉलर रेट की वजह से। डॉलर उस टाइम पे 160-165 तक था, अभी 200 प्लस हो चुका है। सो ऑब्वियसली ये चीज़ें अफेक्ट करेंगी हर एक चीज़ को, प्रोडक्शन को, हर एक चीज़ में ये चीज़ें जो है अफेक्ट करती हैं। डॉलर मेन हर जगह पे जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होती है वो इसी में होती है। प्राइस इस वक्त इसकी ज़्यादा है, लेकिन अगर बात करें फ़ोन की सो फ़ोन डिसेंट मुझे लगा है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छी एक डिवाइस है। अगर आप प्लान करना चाह रहे हैं इस रेंज में एक डिवाइस बाय करने का तो इन्फिनिक्स नोट 12 आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि इन्फिनिक्स की एक नोट सीरीज़ है जो काफ़ी डिसेंट आपको प्राइस के हिसाब से परफॉर्मेंस दे देती है, और चीज़ें भी आपको तकरीबन हर एक चीज़ मिल जाती है। सो ये एक ओवरऑल डिवाइस है हर एक यूज़र के लिए। सो अगर आप इस प्राइस कैटेगरी में लेना चाहते हैं सो इस प्राइस कैटेगरी में आई थिंक ये काफ़ी एक अच्छी डील है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके जो मजीद टेस्ट हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसके आप कौन कौन से टेस्ट देखना चाहते हैं, कैमरा टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, वो इंशाल्लाह मैं जल्द ही ज़रूर लेके आऊँगा। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।